खबर शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र से आ रही है। यहाँ पर पुरानी शिवपुरी बड़ा बाजार में लगे एटीएम को लुटेरों ने लूटने का प्रयास किया। वहीं जब पुलिस की गाड़ी गश्त के दौरान पहुंची तो उन्हें शटर लगी मिली, लेकिन उस शटर के अंदर हलचल होने की आवाज सुनाई दी, जिस पर पुलिस ने गाड़ी रोक कर शटर खोली तो दो लुटेरे एटीएम को गैस कटर से काट रहे थे। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एटीएम मशीन में 13 लाख रूपये से अधिक का कैश जमा था। जानकारी के अनुसार गुरुवार शुक्रवार की रात राधा रमण मंदिर के पास स्थित एटीएम बूथ पर दोनों लुटेरे बूथ के अंदर पहुंचे और बूथ की शटर गिरा दी। अंदर बड़े ही आराम से एटीएम मशीन को गैस कटर से काटने लगे। सुबह 4 बजे के आसपास देहात थाना पुलिस की गश्त की गाड़ी एटीएम बूथ की ओर से निकली। गश्त कर्मियों ने देखा कि एटीएम बूथ की शटर बंद है। पास जाकर देखा तो उसमें से आवाज आ रही थी। पुलिस कर्मियों ने बूथ की शटर देखा तो अंदर दो लुटेरे गैस कटर से मशीन को काटने का प्रयास कर रहे थे। लुटेरों ने आधा काम कर लिया था, मशीन के आगे के पल्लड़ को काट चुके थे, लेकिन जहां पैसा रखा होता है उस ट्रे तक नहीं पहुंचे। उससे पहले ही पुलिस आ गई। लुटेरों का नाम अभिषेक सूर्यवंशी, मोहित सोनी, दोनों ही बड़ा बाजार पुरानी शिवपुरी के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों लुटेरों से गैस कटर के साथ अन्य कई उपकरण जब्त किए हैं। कल एक अच्छी सफलता मिली है। रात में गश्त में जो अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, कल ये 1:15 बजे के आसपास की घटना है। वहाँ पे बड़ा बाजार के पास में SBI का ATM है, वहाँ पे जब हमारी गश्त वाला चीता पार्टी निकली है वहाँ पे, तो उनको कोई आदमी दिखा वहाँ पे कि खड़ा है, तो उन्होंने गाड़ी जैसी रुकी है तो वहाँ से भगे हैं दो लोग। जब दो लोग भगे हैं तो ये पास में जाके उन्होंने देखा तो उन्होंने कटर से उसको काटा भी था ATM को, और वहाँ पर वो सामान अपना छोड़ के साथ में एक मोटरसाइकिल छोड़ के भगे थे। फिर तत्काल रात के गश्त के अधिकारी भी वहाँ पहुँचे और उस मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि पास में एक मोहित सोनी है, उसके साथ में एक लड़का और है, और उनके जब ढूंढने में हमको एक अभिषेक नामदेव करके व्यक्ति पकड़ाया है। उसने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने यूट्यूब में ATM काटने के बारे में जानकारी ली थी, और उसके हिसाब से ग्वालियर से वो सारा सामान कटर, गैस कटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी चीज़ें लेके आया था। और कल जब ये गश्त में आदमी आ गए तो उनका प्रयास सफल नहीं हो पाया। वो साथ में एक स्प्रे भी लाए थे तो जो उन्होंने ATM के CCTV पे भी स्प्रे कर दिया था। सर, इसमें कितने लोगों को पकड़ा है? इसमें दो लोग ही स्पॉट से भगे थे, इसमें एक व्यक्ति को पकड़ा है। सुबह एक सूचना मिली है जिसमें ये पाया गया कि एक व्यक्ति ट्रेन में कटा है, यहाँ जहाँ पर चोरी हुई है उससे कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर रेलवे पटरी पे। उसकी शिनाख्त मोहित सोनी के रूप में हुई, जिसकी मोटरसाइकिल घटनास्थल में मिली है। संभवतः ये भी आरोपी बताया जा रहा है सर जी, वो हाँ उसके और हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन अभी यही लग रहा है कि यही आरोपी है। इसकी मोटरसाइकिल भी है और ये अभिषेक नाम भी अभी उसी का बता रहा है कि वो साथ में था। तो इसकी मौत किस तरह से हुई है सर? इसका एक्सीडेंटल है, क्योंकि ये वहाँ पे तो पुलिस को तो वहाँ पे मौके पे तत्काल कोई मिला नहीं था। फिर जब पूछताछ हुई है और इसमें जब जानकारी निकाली तो अभिषेक मिला, और मोहित की एक मोटरसाइकिल थी तो उसका नाम भी खुला था कि मोहित सोनी भी। ठीक।